हेलो एवरीवन, सारे भैया ने राम राम, बड़े बुढ़े ने राम राम, और बिहार में कहते हैं प्रणाम। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे कमेंट्स आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज को लेके और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज को लेके, इंडोर की वीडियोस भी मांगी है मुझसे, तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं इंडोर की वीडियोस दूँ। और मेडिकल में अभी हालांकि मतलब पढ़ाई तो स्टार्ट नहीं हुई है, जब भी होगी तो मैं लेटेस्ट वीडियो आपको दूंगा कि पढ़ाई कब शुरू होने वाली है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 6 मंथ लगेंगे, और भाई जहाँ की वीडियो कहोगे मैं वहाँ की वीडियो बना के डाल दूँगा। तो जैसे मैं बता रहा था कि पार्ट टू है, भगवान पेट देता है तो रोटी भी दे, तो उसका पार्ट टू डाल दिया था मैंने। और जल्दी से जल्दी मैंने सोचा कि उस लेडीज़ को मैं उसके घर में नहीं है, काफ़ी दिन से मैंने आपको वीडियो भी सजेस्ट नहीं किया मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने काफ़ी एनजीओ से बात की, उसमें एक एमपी की भी थी, तो उन्होंने मतलब सजेशन दिया कि सबसे पहले इनको थाने में रिपोर्ट की जाए, उनके बारे में हमें डिटेल मिलेगी। और कुछ दिन लगे पूरी डिटेल लेने में कि कहाँ से, मतलब 7-8 साल पुराना केस है तो उसमें टाइम लगेगा, तो लोकल पुलिस की मदद ली जाएगी, जैसे भी है वो देखा जाएगा। खैर मेरे लिए अभी सपोर्ट में तो कोई खड़ा नहीं हुआ, तो खुद है एक अंकल है वो, जिनसे मैं मतलब बातचीत हुई ऐसे मिलते जुलते, तो निको पारा नहीं है, निको पार्क है जैसा कि उन्होंने बताया, ठीक है। उनका घर वहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, उनकी एक मतलब कोई रिलेशन में रहता है वहाँ पे। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, तो हम लोग अंकल जब हमें कहेंगे तो हम उसको अपने साथ अब जैसे भी है लेके जाना है उसको। उसके लिए मतलब कुछ मेहनत भी चालू की है मैंने, मेहनत ये चालू की है कि तुम्हारा भाई फास्ट फूड का काम करने लगा है। कहते हैं ना, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता तुम्हारे भरोसे भगवान बैठा हो, तो अपनी मदद खुद करना सीखो दोस्त। ये टाइम का जो है ना, वो टाइम वाली वीडियो बनाई है पीछे मैंने, उसको ज़रूर देखना, समझ में ना आए तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि जब तुम्हारे फेवर में कोई नहीं है, तुम्हारे फेवर में वक्त नहीं है, तुम अपने फेवर में बनो, अपने लिए बनो, अपने ऊपर स्टैंड अप रहो, अपने अपने दम पे खड़े रहो, दुनिया कहेगी हट लेकिन नहीं हटना है, कैसे भी उस मंजिल पे पहुंचना है। तो दोस्तों, मैं तो यही चाहता हूं कि उस लेडीज़ को मैं घर पहुंचा दूं, कि यार मैं इधर मतलब उसको देखा कि उसने वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब बताया था मैंने आपको, तो उसने जो मैंने उसको टॉप दिया था ऊपर का, तो वो उसने उतार के कहीं दो वगैरह के रख दिया है। तो भाई अब मतलब जल्दी से जल्दी मैं उसको फिर एक ऐसे टी शर्ट टाइप में जो था, ठंड भी आने वाली है, तो भाई ठंड आने वाली है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो गरीब आदमी हैं उनके लिए कुछ काम कीजिए। जो सड़क पर रह रहे हैं वो, उन बेचारों में पैसे नहीं होंगे तो वो कपड़े कहाँ से लाएंगे, अगर वो दिमागी रूप से ठीक ही होते तो ऐसे खुले शरीर से क्यों घूमते सड़कों पे। तो दोस्तों, इन लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे दिल में जितना प्यार है वो किसी और देश वाले में हो या ना हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोगों को ये कदम उठाना चाहिए कि हमसे जो नीचे तबके के हैं, जो असहाय हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। तो मैंने भी बीड़ा लिया है, लेकिन हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, पहले समझ में नहीं था क्या करना चाहिए, बट अब मुझे समझ में आ गया है कि रुपए पैसा कोई चीज़ नहीं होता, रुपए पैसे से ज़िंदगी को सुख माना देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी खुद जीने में है ना दोस्त भाई, वो अपने दिल से पूछो और उसी पे काम करो। मैं तो यही चाहूँगा कि सब कामयाब हो जाओ भाई। हाँ, लेकिन अपने आप को समझने में टाइम मत लाना, दुनियादारी बहुत बड़ी है, कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको कि आपको हमेशा दबा के रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, पर भाई
मेरे पास मतलब फंसा मैं, फंसा लेकिन अब इतना भी नहीं फंसा कि मैं ना निकल सकूं, तो मैं निकल गया हूँ। कुछ गांठे हैं उनको खोलनी है बस। मैं इतना बुरा फंसा हुआ हूँ कहीं का, मतलब बोलते हैं ना घर का ना घाट का, तो अंत में मुझे एक सपोर्ट मिली कि सब चीज़। मैंने कहा भाई जब इंसानों के लिए सब कुछ पैसा ही है तो उसी पैसे का सहारा लेके दुनियादारी क्यों ना करी जाए। तो तुम्हारे भाई ने एक फास्ट फूड की दुकान खोली है, चल रहा है, हल्का फुल्का चलता है, तो उसमें क्या किया जा सकता है। उस लेडीज़ को भी मुझे घर पहुंचाना है। यार कितना अजीब लगता है ना कि कोई जब अपने घर से भी छेड़ता है वो तो 7-8 साल पुराना। अभी आपने सोचा है कि अगर हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई अपना या हम खुद हमारे साथ ये बीते तो अब उसके लिए क्या सुनिए। मैं तो 10 डिग्री मैंने पेपर में पढ़ा था जब चाय पी रहा था, 10 डिग्री छूने वाला है। तो दिल्ली के लोगों से मेरी खास दरखास्त है कि ऐसे लोगों की मदद करें। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, ऐसे लोगों की मदद कीजिए। इन लोगों को जितनी सुविधा दे सकते हैं दीजिए, खरीद के ना आपके पास जो पड़ा हुआ है उसी से मदद कर दीजिए। हो सकता है किसी की दुआ आपको लग जाए, इन क्योंकि इन लोगों की दुआओं में बहुत ताकत होती है। मेरे दोस्त, जय हिंद, वंदे मातरम।